हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2021 का जो आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा और क्या सभी गर्भवती महिलाओं को इसके नियम मानने की ज़रूरत पड़ेगी। 19 नवंबर 2021 को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। ये चंद्र ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया, उत्तरी यूरोप और अमेरिका में दिखाई देगा। अगर भारत की बात करें तो ये चंद्र ग्रहण भारत में कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। असम और अरुणाचल प्रदेश में ये कुछ समय के लिए दिखाई दे सकता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ये ग्रहण वृश्चिक राशि और कृतिका नक्षत्र में लगेगा। 19 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय अनुसार 19 नवंबर को सुबह 11:34 से चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाएगा। ये ग्रहण शाम 5:33 तक रहेगा। टाइमिंग है ग्रहण की, जो है टाइमिंग वो 11:34 से लेकर शाम 5:33 तक ये ग्रहण की टाइमिंग है। इसलिए ग्रहण खत्म होने से पहले ही इन दो क्षेत्रों में, असम और अरुणाचल में, चंद्रमा का जो उदय है वो जल्दी हो जाएगा। इसलिए इन दो क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाएँ 5:00 से लेकर, ध्यान से सुनिए, सिर्फ 5:00 से लेकर 5:33 तक, सिर्फ 33 मिनट तक ग्रहण के नियम इन गर्भवती महिलाओं को जो इन दो क्षेत्रों में रहती हैं उन्हें ग्रहण के नियम भी मानने होंगे, सावधानियां भी रखनी होंगी और उपाय भी करने होंगे। जो ग्रहण की टाइमिंग है उसमें ग्रहण के नियम उन्हें मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय के लिए उन्हें ग्रहण के नियम मानने होंगे क्योंकि उस समय पर चंद्रमा का जो उदय है वो हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नियम और सावधानियां रखनी होंगी और बाकी संपूर्ण भारत में गर्भवती महिलाओं को कोई भी नियम और सावधानियाँ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हों। अगर आप अभी भी आपको विश्वास नहीं होता है तो अपने आसपास के पंडित के पास जाएं, जो भी मंदिर हैं तो वहां से आप जानकारी ले सकते हैं, आपको यही जानकारी मिलेगी। तो गर्भवती महिलाएं जो असम और अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं उन्हें ग्रहण के समय खाना बनाना, सब्जी काटना मना किया जाता है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ना तो खाना खाना चाहिए और ना ही पानी पीना चाहिए और चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर भी नहीं निकलना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सोना भी नहीं चाहिए, आप लेट सकती हैं लेकिन पैरों को फैलाकर, पैरों और हाथों को मोड़े नहीं। इस समय नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, सुई, चाकू, पेन, पेंसिल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में पल रहे बच्चे को कटने या जलने के निशान हो सकते हैं। इस समय नाखून काटना, बाल काटना सब मना किया जाता है और ग्रहण से बचाव के लिए आप अपने पास एक सूखा नारियल रख लें, जो कि पूजा में इस्तेमाल होता है, वो अपने पास ज़रूर रखें। ऐसा करने से जो ग्रहण की नकारात्मक प्रभाव है वो आप पर नहीं होकर उस नारियल में होगा। और अपनी लंबाई जितना एक धागा लेकर किसी भी घर पर किसी भी कोने में आप टांग दें। ऐसा करने से जो ग्रहण की किरणों का प्रभाव आप पर ना होकर उस धागे पर होगा। और ग्रहण खत्म होने के बाद नहा लें और फ्रेश कपड़े पहन लें और ग्रहण खत्म होने के बाद आप गंगा जल पी लें। गंगा जल पीने से आप शुद्ध हो जाएंगी और जो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव होगा वो आप उतर जाएगा। और पहले से बना हुआ है उसे जा तो आप फेंक दें। अगर आप नहीं फेंकना चाहते हैं तो आप क्या करें, चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही इन चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल दें ताकि ग्रहण खत्म होने के बाद आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। अगर सारे काम ग्रहण लगने से पहले ही ख़त्म कर लें, कोई भी परेशानी की बात नहीं होगी। तो इंडिया में तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं होगी क्योंकि इंडिया में आप 5:00 तक कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रहण, जो चंद्रमा का उदय होता है वो 5:00 के बाद ही होगा। 5:00 से पहले चंद्रमा का उदय होगा ही नहीं तो चंद्र ग्रहण कैसे होगा। इसलिए आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए, जो चंद्र ग्रहण होगा वो हमेशा 5:00 के बाद ही आपको दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखेगा। इसलिए इंडिया में रहने वाली गर्भवती महिलाएं 5:00 से लेकर 5:33 तक जो है वो नियम और सावधानियां कर सकती हैं, उससे पहले उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये मैं इंडिया में सारी महिलाओं के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश की बोल रही हूं। अगर बाकी वाली भी करना चाहती हैं तो 5:00 से लेकर 5:33 तक ही करिए, उससे पहले करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उससे पहले तो चंद्र ग्रहण होगा ही नहीं, चंद्रमा का उदय नहीं होगा तो चंद्र ग्रहण कैसे दिखाई देगा। ये तो ज्योतिष शास्त्रों का भी यही मानना है कि चंद्रमा जब तक दिखाई नहीं देगा तो चंद्र ग्रहण कैसे होगा। और अगर आपको वीडियो दिल से पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दे ताकि सही समय में गर्भवती महिलाओं को सही जानकारी मिल सके।